वीडियो में हम बात करेंगे कैपिटल स्मार्ट सिटी के रीसेल पॉलिसी और उसका क्या इम्पैक्ट होगा फ्यूचर फाइल्स और प्लॉट्स में। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी जो ऑफिशियली लॉन्च हुआ था वो 2017 में हुआ था। इसको 2019 में NOC के साथ दोबारा रीलॉन्च किया गया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या पास्ट में इनकी पॉलिसीज़ थी, क्या प्रेजेंट में पॉलिसीज़ हैं और फ्यूचर में किस टाइप की पॉलिसीज़ हम देखने को मिलेंगी। 2017 में जब CSE लॉन्च हुआ था तो लोगों को इसके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। इसको रीलॉन्च किया गया 2019 में प्रॉपर NOC के साथ जिस और ओवरसीज ब्लॉक के साथ। 2018 से लेकर 2023 तक जिसको अब तक का जो जर्नी है कैपिटल स्मार्ट सिटी का, उसने मार्केट में एक हाइप क्रिएट कर दिया है और अब ये कंसीडर किया जाता है पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम ब्रांड। कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने जो रीसेल से रिलेटेड पॉलिसी निकाली है उसके अकॉर्डिंगली जो प्लॉट्स जो फाइल्स बुक हुई थी 2018 में और 2019 में, या तो उनको प्रीवियसली बैलेटिंग में इंक्लूड कर दिया गया है या तो वो अपकमिंग बैलेटिंग में उनको प्लॉट नंबर एलोकेट कर दिए जाएंगे। इस अपॉर्चुनिटी में जिनकी फाइल्स बुक हुई हुई है बिफोर 2020 उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और जो 2020 के बाद की फाइल्स हैं जिस तरह 2020, 2021, 2022 और 2023 विल बी कंसीडर्ड इन द नेक्स्ट बैलेटिंग, जिसकी डेट अभी तक कंफर्म्ड नहीं है। तो आइए चले हम बात करते हैं कि क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के और क्या होने वाला है इस साल के एंड में या अगले साल के शुरू में, और अब किस तरह से जो पॉलिसीज़ हैं उनके चेंज की वजह से मार्केट डायनामिक्स जो हैं वो चेंज किए जाएंगे। जी, तो पहला पॉइंट है कि CSE जो सबसे बड़ा माइलस्टोन जो अचीव किया है वो ये है कि एक्सेस मिल गई है NHA की इंटरचेंज की तरफ से। ये एक्सेस जो है सोसाइटी ने बिफोर द प्रॉमिस टाइम अचीव कर ली थी, और सोसाइटी ने डेडिकेटेड M2 मोटरवे पे अपना डेडिकेटेड इंटरचेंज जो है वो टेम्परेली उसकी एक्सेस ग्रांट कर दी गई है। इस माइलस्टोन के अचीव करने की वजह से अब जो सोसाइटी की ऑलरेडी जो मार्केट रेट्स हैं और डायनामिक्स हैं वो काफ़ी हद तक बदल चुके हैं। दूसरा मेजर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का जर्नी फ्रॉम फाइल टू प्लॉट। इन्वेंट्री जो फाइल की थी जिसमें इंक्लूड कर दिया गया था, जिसमें आपका पहला रेट, सेकंड रेट और थर्ड रेट है जो कि जिसको नंबर एलोकेट कर दिए गए हैं और वो बैलेटिंग में ऑलरेडी शामिल हो चुके हुए हैं, उन पे डेवलपमेंट चार्जेस भी एप्लीकेबल हैं जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी पुरानी वीडियोज़ में, जिनके साथ कैटेगरी प्लॉट्स भी शामिल हैं जिनमें। अगर आपने अपना फाइल्स के सारे चार्जेस पे कर चुके हुए हैं, बैलेटिंग हो चुकी हुई है, नंबर लग चुका हुआ है और अब आपने डेवलपमेंट चार्जेस पे कर दिए गए हैं, तो अब वो आपकी जो है फाइल प्लॉट में तब्दील हो चुका हुआ है और वो एज अ नेट कैश ट्रेड होगी एज अ प्लॉट, नॉट एज अ फाइल सिस्टम। मेंबर्स जो कि इस बैलेटिंग में नहीं हुए वो नेक्स्ट बैलेटिंग में अपना चांस लगवा सकते हैं और अपनी लोकेशन अपने एलोकेट कर सकते हैं। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि जो एक मेजर क्वेश्चन हमें बार बार अपने व्यूवर्स की तरफ से आ रहा था कि डिफरेंस क्या होगा इस बैलेटिंग में और नेक्स्ट बैलेटिंग की लोकेशन में। तो बेसिकली सोसाइटी की दो साइट्स हैं। अगर आप आ रहे हैं इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे की तरफ से, और मंडवाल का एक पॉइंट है लेफ्ट साइड पे मोटरवे के जिसको 332 और 333 लेफ्ट साइड पे, उसके जो डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड हैं उसमें है ओवरसीज ईस्ट, ओवरसीज सेंट्रल, एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट 1, प्राइम 1 एंड हार्मनी पार्क ओवरसीज ईस्ट, हार्मनी पार्क ओवरसीज सेंट्रल एंड सिलिकॉन वैली गोल्फ कोर्स एक्सेट्रा। और उसकी जो लेफ़्ट साइड है मोटरवे की, वहाँ पे सोसाइटी ने अब लैंड प्रोक्योर करना स्टार्ट कर दिया गया है। राइट साइड पे मोटरवे है, पीपल जो रह चुके हैं इस बैलेटिंग के उनको जो लोकेशन दी जाएगी वो राइट साइड पे दी जाएगी। लेफ़्ट साइड पे भी जो लैंड है वो एज अ प्लॉट सोल्ड होगा और जो अंडर डिवेलप एरियाज़ हैं वो एज अ फाइल जो इंस्टॉलमेंट्स पे बेची जाएंगी। ये प्रैक्टिस जो होगी वो स्टार्ट होगी मिड 2023 से, और प्रॉपर्टी जो होगी वो सून विल बी ट्रेड, और पोजेशनेबल प्लॉट्स जो होंगे वो नेट कैश पे होंगे, और जो अंडर डेवलप एरियाज प्लॉट होंगे जो कि पीछे वाली साइड पर होंगे वो एज अ फाइल्स दी जाएंगी। आई होप ये वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।